नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन कोरोना को करोना में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। कोरोना से जुड़ी दिनभर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना वायरस के कहर के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देश में लॉकडाउन की अवधि को 19 दिनों के लिए बढ़ाया। अब देश में 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा जारी। पीएम मोदी के ऐलान के बाद रेलवे की तरफ से आया बयान, 3 मई तक नहीं चलेगी कोई भी पैसेंजर ट्रेन, फ्लाइट सेवा पर भी लगी रोक, सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स भी 3 मई तक बंद। कोरोना संकट के बीच आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देशवासियों को दिया संदेश, कहा मुसीबत के खिलाफ हर हिंदुस्तानी एकजुट। सोनिया गांधी ने देशवासियों की तारीफ की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा लॉकडाउन करना समय की मांग, देश में है पर्याप्त भंडार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, भारत में कोरोना के स्टेज 3 में जाने की संभावना नहीं, सरकार बड़े लेवल पर कर रही है टेस्टिंग। सुर्खियों के बाद बात कोरोना से मची तबाही की। दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन है, हर वो कोशिश की जा रही है जिससे कोरोना के खिलाफ जंग जीती जा सके, फिर भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। बताते हैं आपको कोरोना ने दुनिया भर में अब तक कितनी तबाही मचाई है। देश में कोरोना के 10,363 मामले, 339 कोरोना मरीजों की मौत, कोरोना के 1,036 मरीज ठीक हुए, एक दिन में कोरोना के 1,211 केस, 24 घंटे में 31 लोगों की मौत, 24 घंटे में 179 मरीज हुए ठीक। गृह विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कंट्रोल रूम से समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, अब तक 5,000 समस्याओं का समाधान किया जा चुका है, तो वहीं राशन की आपूर्ति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। गरीबों को ध्यान में रखते हुए 3 महीने तक 5 किलो फ्री राशन देने की सुविधा है। मजदूरों की समस्या निपटाने के लिए शिकायत केंद्र बनाया गया है जहाँ मजदूर अपनी समस्याओं को साझा कर सके। वही जनधन खाता धारकों को सरकार आर्थिक मदद दे रही है और सरकार की ओर से 97.8 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर बांटे गए हैं। वहीं ICMR ने जानकारी दी कि कल से अब तक देश में 21,635 कोरोना टेस्ट किए गए और अब तक 2,31,902 टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें ICMR की 166 और 70 निजी लैब में टेस्ट किए गए। कोरोना से सबसे ज्यादा तबाही जिन इलाकों में देखने को मिल रही है, वहां पूरी तरीके से निगरानी रखी जाएगी और वहां की सरकारों से उठाए गए कदमों पर जानकारी ली जाएगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि दूर दराज के इलाकों में मदद पहुंचाई जा रही है। महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में 19,34,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 1,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के आंकड़ों पर गौर करें तो दुनिया भर में कोरोना से मची तबाही, जहां अमेरिका में कोरोना के मामले 5,87,000 से ज्यादा है। अमेरिका में मरने वालों की संख्या 23,000 के पार पहुँच चुकी है। इटली में संक्रमितों की संख्या 1,59,000 से ज्यादा है। इटली में मरने वालों का आंकड़ा 20,000 है। स्पेन में संक्रमित लोगों की संख्या 1,72,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं स्पेन में 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। जर्मनी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,30,000 है, तो वहीं जर्मनी में अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक वैक्सीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को सफलता नहीं मिल पाई है। हालांकि कोशिश जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन तैयार करने की है। कोरोना से बचने के लिए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया था, जो आज खत्म हो रहा था, लेकिन पीएम ने ऐलान किया कि लॉकडाउन अब 3 मई तक रहेगा। लॉकडाउन बढ़ने के बाद अब सभी की नजरें टिकी हैं कल होने वाली मोदी कैबिनेट की बैठक पर, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कल किसी राहत पैकेज की घोषणा हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त देश बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। स्वास्थ्य हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, जिसे सुधारने के लिए 21 दिन के बंद का ऐलान किया गया, जो आज खत्म हो रहा था, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। अब देश में 3 मई तक पूर्णबंदी लागू रहेगी और इस बार नियम पहले से ज्यादा कड़े रहेंगे। आज भले ही पीएम मोदी ने स्वास्थ्य की दृष्टि से बंद बढ़ाने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन परेशानी झेल रहे लोगों को उम्मीद थी कि सरकार से राहत पैकेज मिलेगी, जिसका ऐलान आज नहीं हुआ। यही कारण है कि विपक्ष ने भी पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया, लेकिन अब बंद की मियाद बढ़ाने के साथ ही कल यानी कि 15 अप्रैल को मोदी कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। कहा जा रहा है तालाबंदी बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार अब कुछ अहम फैसले ले सकती है। मोदी कैबिनेट की बैठक कल यानी बुधवार शाम 5:30 बजे होगी। पिछली बार की तरह इस बार भी कैबिनेट बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है। माना जा रहा है बैठक में कुछ सेक्टर को छूट देने पर सहमति बन सकती है। साथ
साथ ही मौजूदा मुसीबत से निपटने के मेगा प्लान पर चर्चा होगी। आपको बता दें, आज पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 3 मई तक सख्ती से बंद का पालन करने का आदेश दिया है। इस ऐलान के साथ पीएम मोदी ने कहा कि बुधवार को सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की जाएगी। माना जा रहा है इस गाइडलाइन की चर्चा केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हो सकती है। इस बैठक में अन्नदाताओं के साथ ही कुछ सेक्टर को राहत की उम्मीद है। आपको बता दें, विपक्ष ने आज सरकार के बंद की मियाद बढ़ाने वाले फैसले का तो पूर्ण रूप से समर्थन किया है, लेकिन राहत की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को लेकर एक शब्द नहीं बोलने पर नाराजगी भी जाहिर की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से लेकर राज्यसभा सांसद पी चिदम्बरम ने भी सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए थे। ऐसे में अब कल होने वाली कैबिनेट मीटिंग में देखना होगा कि सरकार किसी राहत पैकेज का ऐलान करती है या फिर अपने अब तक के उठाए कदमों का ही बखान करती है। कोरोना को लेकर सरकार की कोशिशें जारी हैं, लेकिन इन सबके बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बड़ा दावा किया है। ये दावा कोरोना और उससे पहले देश और दुनिया में तबाही मचाने वाले स्वाइन फ्लू से जुड़ा है। जानते हैं कोरोना और स्वाइन फ्लू को लेकर क्या किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा। कोरोना वायरस महामारी से पहले भारत में एक और बड़ी विपदा आई थी। साल था 2009 जब भारत में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी थी। जैसे कोरोना वायरस का एपिसेंटर चीन का वुहान है, वैसे 13 मई 2009 को स्वाइन फ्लू का पहला मामला अमेरिका से भारत आया था। तब अमेरिका से हैदराबाद लौटे एक भारतीय में H1N1 की पुष्टि हुई थी। धीरे धीरे जैसे कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ठीक वैसे ही स्वाइन फ्लू के केस बढ़ते गए। यानी शुरुआती दिनों में 10,193 पॉजिटिव केस और 1,035 लोगों की मौत हो चुकी थी। स्वाइन फ्लू का सबसे ज्यादा असर 2015 के पहले 1.5 महीने में देखने को मिला था। तब देश भर में 42,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे और 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन जो दावा WHO ने किया है, उसके मुताबिक कोरोना वायरस स्वाइन फ्लू से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। WHO की सलाह है कि दुनिया भर की सरकारें लॉकडाउन या अन्य प्रतिबंध अचानक न हटाएं। संगठन के महानिदेशक डॉक्टर त्रिदोस ए गेब्रियसिस ने कोरोना पर नियमित संवाददाता सम्मेलन में हाल ही में कहा कि COVID-19 के संक्रमितों की स्वाइन फ्लू के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मौतें हो रही हैं। उन्होंने कहा, कई देशों से मिले साक्ष्यों से इस वायरस के बारे में इसके बर्ताव, इसे रोकने के तरीकों और इसके इलाज के बारे में स्पष्ट तस्वीर सामने आ रही है। हम जानते हैं कि ये तेजी से फैलता है और 2009 में फैले स्वाइन फ्लू से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। ये भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज्यादा तेजी से फैलता है और इसका संक्रमण रोकने के लिए संक्रमित लोगों का पता लगाना, जांच, एकांतवास और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति की पहचान जरूरी है। त्रिदोस ने सदस्य देशों को लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों को बेहद सावधानी से धीरे धीरे हटाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कुछ देशों में इससे संक्रमित मरीजों की संख्या हर 3-4 दिन में दोगुनी हो रही है। इसके मामले जितनी तेजी से बढ़ते हैं, उससे बहुत ही कम गति से घटते हैं। इसलिए प्रतिबंध हटाने में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हर सरकार को अपने देश की स्थिति देखते हुए फैसला करना चाहिए। WHO प्रमुख ने सरकारों से दिहाड़ी मजदूरों और बेहद गरीब लोगों के हितों को भी ध्यान में रखने की सलाह दी है। अब देखना होगा पूरी दुनिया इस बड़ी मुश्किल की घड़ी में कैसे न केवल इस बीमारी से लड़ती है, बल्कि लोगों के हितों को कैसे ध्यान में रखते हुए सहूलियत दी जाती है, ताकि लोगों पर दोहरी मार न पड़े। देश और दुनिया में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। दुनिया भर में डॉक्टर्स कोरोना की दवाई और वैक्सीन खोजने में लगे हैं। कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, उतनी ही तेजी से वैक्सीन बनाने की गति भी बढ़ रही है। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, देखिए रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO पूरी दुनिया के कोरोना मामलों पर नजर बनाए हुए है। चाहे बात कोरोना को लेकर बढ़ती जाने वाली सावधानियों की हो या इस पर बन रही दवाओं या वैक्सीन की, पूरी दुनिया से इंतजार में है कि जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन मिले और इस महामारी को जड़ से खत्म किया जाए। और WHO का वैक्सीन को लेकर जो दावा है, वो थोड़ी राहत जरूर दे सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से दावा किया गया है कि कोरोना वायरस के 70 वैक्सीन का परीक्षण 3 व्यक्तियों पर अलग अलग जगह किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है, हांगकांग की कैंसिनो बायोलॉजिक्स और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की ओर से दवा बनाई जा रही है। ये एक प्रायोगिक वैक्सीन है जो चरण 2 में है। वहीं इंसानों पर परीक्षण किए जा रहे अन्य 2 उपचार अमेरिका की दवा निर्माता इनोवियो फार्मास्यूटिकल्स की ओर से विकसित किए गए हैं। कोरोना वायरस के वैक्सीन को जल्द से जल्द तैयार करने की कोशिशें की जा रही हैं। छोटे और बड़े ड्रग मेकर कोरोना की वैक्सीन विकसित करने की कोशिश में जुटे हैं, जो वायरस को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका होगा। PFOR Inc. और सनोफी जैसी फार्मास्यूटिकल दिग्गज कंपनियां इस दौड़ में सबसे आगे हैं।
कैंसिनो ने कहा कि पिछले महीने इस वैक्सीन के मानव परीक्षणों को शुरू करने के लिए चीन की ओर से कहा गया था। अब देखना होगा कोरोना की वैक्सीन पर हमारी पहुंच कब तक हो पाती है। कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमेरिका में इस वायरस के खिलाफ वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुनिया को गुड न्यूज दे चुके हैं, लेकिन आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जिस अमेरिका में आज सबसे ज्यादा तबाही कोरोना से मची है, उसी अमेरिका ने 4 साल पहले कोरोना की वैक्सीन बनाने में रुकावट डाल दी। अमेरिका रुकावट न डालता तो कोरोना की वैक्सीन 4 साल पहले बन चुकी होती। पूरी दुनिया में कोरोना से करीब 20 लाख लोग संक्रमित हैं, तो वहीं 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत इस महामारी से हो चुकी है। ऐसे में सब कोरोना की वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कोरोना की वैक्सीन आने में कितना समय लगेगा। इन सब के बीच अमेरिका के ह्यूस्टन में बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के नेशनल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन का दावा है, उन्होंने 2016 में यानी अब से 4 साल पहले ही कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली थी। यहां तक कि उसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी पूरे हो चुके थे, लेकिन अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने वैज्ञानिकों को इस टीम को काम रोकने के लिए कह दिया। जब टीम ने उनसे ऐसा करने का कारण पूछा तो NIH ने कहा, फिलहाल हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। साफ है कि अगर अमेरिका ने 4 साल पहले दिलचस्पी दिखाई होती तो आज दुनिया में ना तो लाखों लोग संक्रमित होते, ना ही अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे खतरनाक वायरस के खिलाफ अमेरिका ने दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई। आपको बता दें, चीन के गुआंजू में एक अनजान वायरस से 2002 में महामारी फैली थी। तब इसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी सार्स नाम दिया गया था। इससे संक्रमित व्यक्ति को सांस लेने में मुश्किल होती है। इस लक्षण को देखकर वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि सार्स बीमारी कोरोना वायरस की वजह से होती है, साथ ही जानवरों से शुरू होकर इंसानों तक पहुंची। तब सार्स कुछ ही महीने में 29 देशों में फैल गया था, जिससे 8000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए थे और 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उस समय यूरोप, अमेरिका और एशिया के कई वैज्ञानिकों ने इसकी वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर दिया था। उनमें से कुछ वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में सफल हो गए थे और क्लिनिकल ट्रायल के लिए तैयार थे। इस बीच सार्स पर काबू पा लिया गया और पूरी दुनिया में इस पर चल रहे शोध बंद कर दिए गए, जिसमें से एक था अमेरिका, जहां जितनी तेजी से वैक्सीन बनाने का काम शुरू हुआ उतनी ही तेजी के साथ बंद हुआ। अगर उस वक्त ये वैक्सीन बना ली जाती तो कोरोना से जंग में काफी मददगार साबित होती। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपना और अपने परिवार का रखे ख्याल। नमस्कार।